हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम क्लास टेंथ की क्विज करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्विज होने वाली है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इस बार पेपर होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की क्विज नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर वन की क्विज वन नहीं बोलेंगे, चैप्टर टू की क्विज टू बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये विज्ञान का क्लास टेंथ का ये क्विज है, तो अपन लोग इसमें एक क्विज खेलेंगे, फिर देखते हैं स्कोर कितना रह रहा है और आपका स्कोर कितना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन वन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, है ना। इसका ए करें दे रहे हैं, इसके बाद स्कोर अपन को पता चलेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये अपन को वो दिया गया है, इक्वेशन दी गई, इसमें दी गई है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, है ना। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए, तो इस पर क्या होगा, तो वो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड से बनता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं हमारा भी स्कोर कैसा होने वाला है, हमने भी ये क्विज अभी फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, है ना, दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी इनमें से कौन से हो सकते हैं, तो ये होगा शायद तक ए, फर्स्ट एवं सेकंड लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव है, बहुत बड़ा है, चलो पढ़ते हैं। 25 ml जलयुक्त ए बी तथा सी के रूप में चिन्हित तीन बीकर लिए गए हैं, ए बी एंड सी। बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH निर्जल एंड CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया है। यह प्रेक्षित किया गया है कि बीकर ए तथा बीकर बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर सी के विलयनों के ताप में कमी हुई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, पहला और फोर्थ में, है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अम्लीय पैरामैग्नेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया है, हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, KMnO4 एक ऑक्सीकरण के FeSO4 के ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, इनमें से द्विविस्थापन अभिक्रिया बताना है, तो इसका हो जाएगा केवल सेकंड हो जाएगा, है ना, तो बी ऑप्शन लग रहा है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह सेल्टी क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्वेश्चन नंबर नाइन है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुसकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्राइड के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवयव बनाते, इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्राइड उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्राइड के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लेड एमिटेट। अब इसके बाद स्कोर देखने की घड़ी आ चुकी है, तो अपना स्कोर देखते हैं क्या होने वाला है, गेट स्कोर एंड व्यू आंसर, तो अपना रहा है आंसर करेक्ट रहे हैं 10 में से 10 और इनकरेक्ट 0%, तो परसेंट बनी अपनी 100% की, और आपकी क्या बनी है, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम में इसकी लिंक मिल जाएगी, एक कमेंट कर देना, और ये क्लास टेंथ के लिए क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट करें तो बाकी क्लासेज के लिए भी ये क्वेश्चन जा सकती है, अगर आप इसका जैसे मैंने भी टेस्ट दिया है फर्स्ट टाइम ही दे सकते हैं, अगर हर बार क्वेश्चन बदल जाते हैं, तो अगर आप इसको देना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।